दीदी के लड़के वाले देख लो। बता दिया मैंने अब लड़कों को ये बता सकता हूँ, लड़का करता है बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका इंडिया में। पूजा रिश्ता तो हो गया कपड़ा, रिश्ता तो हो गया है, पर हाँ मेरी बहन की हो रही है शादी। अरे रो रही है गाइस, रो रही है। अरे रो मत दीदी, रो मत यार, होता है यार, रो मत, रो मत, रो मत यार, कोई नहीं यार, रो मत। काफी दिन से मन कर रहे, एक महीने में पूरी बोल दे, मैं सोच रहा कल घर पे बुलाई लूं पूरी के लिए। बुला सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो होप करता हूँ तुम अपने अपने घर में सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है और तुम सबके लिए भी बहुत स्पेशल होने वाला है जो तुम सब देख रहे हो, क्योंकि तुमको आज मैं एक ऐसी खबर देने वाला हूँ जो आज तक मैंने कभी यूट्यूब पर दी नहीं होगी, या ना मेरे ऐसे व्लॉग्स आए होंगे। तो भाई आज का सीन ऐसा है, 10:30 हो गए, घर में पूजा है, और बताऊँ किस चीज़ की पूजा है और क्या करेंगे उस पूजा में, ठीक है। बाकी हम देख सकते हो मेरे घर के, और बस फटाफट नहा धो तो लिया मैं, बिल्कुल फ्रेश व्रेश सब कुछ हो गया, बिल्कुल बस बाल वाल काटने और सिरम विरम लगाना है, बाकी तुमको मिलवा दे दीदी से, वो तुमको खबर देगी बिल्कुल पूरी पूरी, ठीक है। बाकी तुम सब्सक्राइब करो फटाफट, नीचे जाके बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स आने वाले हैं। तो भाई दीदी येरी, दीदी बताओ आज तुम्हारे लिए कितना बड़ा दिन है, आज बताओ। बहुत बड़ा दिन है गाइस, थोड़ा बहुत टेंशन हो रही है, तेज बोलो ना। बहुत बड़ा दिन है गाइस, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। किस चीज की टेंशन हो रही है, तुम आज मेरे ऑडियंस में रिवील करो। आज थोड़ी रिवील करना है? अरे कर, थोड़ा बहुत तो कर दो। नहीं चलो भाई, तो ये रिवील नहीं कर, ये रिवील नहीं करी तो मैं रिवील कर सकता हूँ, क्योंकि कल रात से रोई जा रही है। तो भाई आज का सीन ऐसा है, आज आ रहे हैं दीदी के लड़के वाले देखने। बता दिया मैंने, अब लड़के वाले देखने आ रहे हैं आज दीदी को। क्यों नहीं काट दे भाई, ये नहीं बोल रहा तो बावले बोल रहा है, घर में पूजा रिश्ता तो हो गया कपड़ा, रिश्ता तो हो गया है, पर लड़के वाले देखने आ रहे हैं कि आज घर कैसा है हमारा, ठीक है। और बाकी सीन ऐसा है, तुम कल इतना रोए क्यों उधर रात में? क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही। तो भाई इसकी टेंशन का बता दो, क्यों टेंशन हो रही थी इसको? क्योंकि आज आ रहे हैं लड़के वाले देखने। हाँ मेरी बहन की हो रही है शादी। क्या भाई, अपने ऑडियंस को तो बता रहा हूँ यार, ठीक है भाई। तो लड़के वाले देखने आ रहे हैं, घर में हवन है आज, हवन भी है घर में, वो तो मेरे लिए हवन हो रहा है क्योंकि मेरे में थोड़ा भूत भूत थे वो भगाए मैंने आज। अरे यार मजाक सेट के देखो आज, अरे चुप हो जा, मैं अपने ऑडियंस को बता दो। अरे मेरे दोस्त है यार, ओए मेरे ऑडियंस के बारे में कुछ मत बोलते ना, टेस्टनेस कर दूंगा सबको यहाँ पर। तो भाई आज का सीन ऐसा है, आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और हमने घर में सफेदी इसलिए कराई थी कि लड़के वाले देखने आएंगे तो थोड़े देखेंगे कि हाँ भाई घर बढ़िया है, ठीक है। और बाकी ये खुशी इतनी हो रही है कि ओए हो शादी हो रही है इसकी, बट तुम्हारे भाई को टेंशन है कि तुम्हारे भाई पे सारी जिम्मेदारी है घर की, और तुम्हारा भाई सब कुछ करेगा, घर का सारा सामान शादी वादी सब देखेगा, बाकी तो। अरे रो रही है गाइस, रो रही है। अरे रो मत दीदी, रो मत यार, होता है यार, रो मत, रो मत, रो मत यार, कोई नहीं यार, रो मत। अरे मैं तो तेरे साथ ही हूँ। तो भाई ये रो रही है, इसको चुप चुप रहा यार, प्लीज चुप रहा। और भाई तो फटाफट हवन उवन आता है, पंडित वंडित आने वाले हैं, वो 9 बजे बोल के आए थे पंडित, पर वो 10 बज गए, पंडित आने वाले हैं, उन पंडित जी से ही मिलवाएंगे तो उनकी पूजा भी दिखाएंगे। बाकी जो लड़के वाले आएंगे वो तुमको रिवील नहीं कर सकता मैं अभी, क्योंकि वो रिवील होंगे 2 दिन बाद, 2 दिन बाद तुमको रिवील, पक्का रिवील दिखा दूंगा कौन लड़के वाले आ रहे हैं, कौन सा लड़का है, कैसा लड़का है, लड़का भी दिखाऊंगा कैसा लड़का है। लड़का तो भाई स्मार्ट है, हमारा जीजा बड़ा स्मार्ट है, ठीक है गाइस। तो फटाफट पूजा, अरे हंसो मत यार, अपने ऑडियंस को बता रहा हूँ, तो क्या हो गया देख रहे थे सबको, ठीक है गाइस। तो फटाफट अब तैयारी कर लूँ, कपड़े पड़े पहन लूँ, मैंने पहन तो रखे हैं, लड़के वाले इसी में मुझे थोड़ी देखने आए लड़के वाले, बाकी इसको देखने आ रहे हैं, चलो गाइस। और भाई एक चीज़, और भाई एक चीज़ तो बता रहा तुमको, भूल ही गया कि शादी की भी करनी है शॉपिंग, शॉपिंग भी दिखाया तुम्हारा भाई, शादी की शॉपिंग थोड़ी बहुत आज करेगा तो वो भी दिखा देगा, बाकी तो आने वाले टाइम पे सारे व्लॉग्स आते रहेंगे बढ़िया बढ़िया। बाकी तो ये कितनी खुश है देख सकते हो तुम व्लॉग्स में, कैसा लग रहा है आपको, आपकी शादी होने वाली है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों, हमसे दूर जाओगे इसलिए? हाँ। कोई नहीं कोई नहीं, जाना था एक दिन, एक दिन सबको दूर एक दूसरे से, ठीक है। तुम्हारा वो रिवील कर दूं, कब करना है रिवील? 2 दिन बाद मास्क पहना के आऊंगी गाइस। क्यों, अदरान अदरान बनोगी? आजकल के ट्रेंड में मास्क पहना के आऊं भाई। पंडित जी आ चुके हैं इधर, तो भाई पंडित जी आ चुके हैं और इधर पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो
अच्छा आप कर देते हो। ये भी रेडी हो चुकी है। अब अपना नंबर बहुत तैयार हो चुकी है। पृथ्वी पर श्री सत्य भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा और इस तरह नारद जी से नाराज हो गया। इतना बड़ा सा छोटा सा है ना मेरा पूजा वगैरह करने के लिए नवरात्रों में, पता नहीं किसको दे दिया। नहीं देखे जाते कोई भी हमारे चले जाते हैं, याद ही नहीं आ रहा कितने जो मंगा लिए दिमाग से काफी सारे, तो वो मंगा लिया वन को बस एक बार गया फिर बस गया। अभी पूजा वूजा करके तो हट गए और अभी जो देखने वाला आने वाले थे इसको वो भी थोड़ा लेट हो गए, तो हम खाना वाना खाया उनकी खुशी में। आज हमने छोले बनाए, देखो छोले और पूरी, तो अब यही खाना पड़ेगा अपन को। भी पूजा वूजा तो कर ली है, बाकी वो आते हैं तो तुमको शायद मम्मी अलाउ करी हुई दिखा देंगे, वरना तो नहीं दिखाएंगे। बाकी ये बहुत खुश है आज, इसे खुश हो ना तुम आज, नहीं हो बहुत बुरा लगा जाने का तुम घर छोड़ जाओगी तो। कोई नहीं यार, कभी कभी जाना चाहिए तुमको भी। धार्मिक भाई जिम जाने से पहले पूजा करके आते हैं। पंडित जी कैसे हो? अरे बढ़िया, पंडित जी राम राम। स्टार्ट भाई, हमारे भाई मिले एक जो हमारे पंडित जी को पूरी खिलाते हैं। वो तो भाई आ गए जो सुबह सुबह चलाने वाले थे, पता नहीं था कोई भाई हमारे को भी खिलाएंगे एक दिन, घर पे बुलाएंगे यार पूरी पूरी पेट निकालेंगे थोड़ा भाई, बॉडी बॉडी बनवा है पूरी खिला कर यार। इनका पूरी खाने का काफी दिन से मन कर रहा है, एक महीने में पूरी बोल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कल घर पे बुला ही लूं पूरी के लिए। बुला लो भाई बुला लो। आउट कर लिया है राहुल भाई ने, आज बहुत लेट कर दिया, अभी बच गए 8 और हम निकल चुके अपने अपने घर। और भाई अब आएंगे डेली व्लॉग्स, है राहुल भाई डेली आएंगे जिम के व्लॉग्स, भाई घूमने फिरने के व्लॉग, डांस के व्लॉग, बाकी डांस का तो हम बताइए दोनों भाई क्या सेक्सी डांसर है। और भाई एक व्लॉग ऐसा आएगा जिसमें राहुल भाई गर्लफ्रेंड रिवील होगी। पागल वागल है ये, इनके फालतू भाई का होना ही चाहिए। गर्लफ्रेंड नहीं है माँ कसम खा जा, माँ कसम खा भाई, जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो व्लॉग देखती होगी पक्का। नहीं है पक्का, देख लो भाई जो भी तुम देख रही हो भाभी हमारी गर्लफ्रेंड होते ना आते भी गर्लफ्रेंड बना कर रहा है, गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब ये किसी और लड़कियों पे लाइन मारता है आजकल, समझ लो तेरे पे लाइन मारता हूं भाई, भाईचारे पे लाइन मारता हूं, भाईचारा ऑन टॉप है भाई और रहेगा। अरे तुम यार नकली बंदो यार तुम, हां ऑफ कैमरा तुम्हें भटकाएंगे अभी, ये देखो आरती करके आए हो और भटकाएंगे, क्या भटकाएंगे, व्हाट इज भटकाना, रॉन्ग पाथ पे जाना, रॉन्ग पाथ पे जाना। और वो धर्मेंद्र कौन है भाई, एक्टर है भाई पुराने, इतने पुराने एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा शोले में उन्होंने। और भाई आज भाई मजा आया, शोल्डर वर्कआउट था, ज़्यादा जिम में शूट नहीं कर रहा क्योंकि आज अपने आप को फोकस करना है, बॉडी बनानी है। अब जितने भी लोग देख रहे हैं ना थोड़ी थोड़ी बॉडी बन जाती है उनकी, ये चमकते हैं, समझने वाले समझ जाओ, तुम्हारी फाड़ देंगे बीच में से, समझ आई राहुल भाई शेर ही कहते हैं शेर। भाई रोड पे शेर आ गया था अभी, अब वो शेर बोल चलो राहुल भाई चलते हैं अब। ओके भाई मिलेंगे भाई, जब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई को फॉलो करो राहुल शर्मा व्लॉग्स को, बाकी राहुल शर्मा भटकाऊ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट शर्मा इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ इंस्टा पे एक नंबर रील डालता था राहुल, तुम्हारे वो भी तो आइडिया है राहुल www.com एक्स पागल वागल क्या है भाई, हमारे वंश भाई का ओनली फैंस है तो वहाँ जाके भाई का सब्सक्रिप्शन ले लेना भाई, वहाँ वीडियो डालते हैं, मैं राहुल भाई को भटकाता हूँ भाई, नेक्स्ट वीडियो डालते हैं सन्नी का ओनली फैंस है, सन्नी की वीडियो देखना वहाँ, सन्नी अपनी मतलब असली फोटो डालता है नेक्स्ट फोटो डालता है। चलो भाई मिलते हैं ठीक है भाई, बताना भूल गया था मैं कि लड़की ओ लड़के वाले आए थे आज, और दीदी कैसे रहा आपका लड़के वाले जो आए थे? बहुत अच्छा। तो भाई बातचीत हमारी पूरी हो चुकी है लड़के वालों से,
अब बस शादी की तैयारी स्टार्ट होने वाली है कुछ टाइम बाद। कितने टाइम लगेगा जी शादी की तैयारी में? लड़के वाले आए थे पर ना, लड़के वाले ना, जो लड़के वालों की एक लड़की थी वो तुम्हारे भाई मार रही थी यार। हैं दीदी बताइए, मार रही थी दीदी? ये झूठ बोल रही है, ये अपनी पॉइंट्स बना रही है उनके सामने। और भाई लड़के वाले भी व्लॉग्स देख रहे होंगे हमारे, मैंने कुछ रिवील नहीं करा कि मम्मी ने मना कर दिया कि वीडियो मत बनाइए किसी की भी, क्योंकि अभी बजा दूंगा तो नज़र लगा देंगे लोग, तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो भाई मज़ा आ गया आज तो भाई, फुल पावर। मेरी बहन खुश होगी। दी खुश है तू आज? मुँह से बोले यार, थोड़ी एनर्जी लाना आज। बहुत ज़्यादा भाई, मेरी बहन इतनी खुश है, मैं इसकी खुशियों में ही मज़ा आता है मुझे। बस ये खुश रहा है तो मैं खुश रहूँगा जिंदगी भर, है दीदी? और भाई आज का सीन ऐसा है, खाने जा रहे हैं डिनर बाहर, क्योंकि खुशी का माहौल है तो बाहर डिनर करने जाएंगे। तुमको झूठ लग रहा होगा ना कि मैं सब झूठ झूठ बोल रहा हूँ, तो हाँ भाई झूठ ही बोल रहा हूँ। भाई व्लॉग बनाने के लिए कुछ था ही तो मैंने तुमको बता दिया कि झूठ बोल रहा हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, झूठ नहीं बोल रहा यार। देखो तो आज घर में पूजा भी थी, छोले बने हमारे घर में, और हम डिनर करने बाहर भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो खुशी का माहौल है ना। बाकी तो स्टे ट्यून रहो, आने वाले कुछ टाइम में तुमको सब पता चलेगा लड़का कौन है कहाँ का है। बस तुमको ये बता सकता हूँ, लड़का करता है बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका इंडिया में, बस ये बता सकता हूँ। ठीक है गाइस, चलो भाई शेयर कर दो। रेडी हो चुके हैं अब हम निकल रहे हैं कुछ बाहर डिनर करने। ये देखो मेरी बहन बैठी है, ये भी रेडी हो चुके हैं और अब जा रहे हैं हम डिनर करने, क्योंकि आज मन नहीं था मम्मी खाना बनाने का, मम्मी थक रही थी, तो मैंने बोला चलो मम्मी डिनर करा के ले आता हूँ उनको। और यहाँ पर बैठ के फ़ोन वोन चला रही है। तो तुम्हारा भाई सोच रहा है आप डेली व्लॉग्स करें, क्योंकि अब मन नहीं है, व्लॉग्स में ही करना है कुछ ना कुछ, तो डेली व्लॉग्स करेगा आप तुम्हारा भाई, कोशिश करेगा। अभी तक तो दो दिन से तो लगातार व्लॉग्स आ रहे हैं, वही आज वाला भी आज एडिट करके आज ही कल डाल दूंगा। बाकी तुम स्टे ट्यून रहो, बाकी तुम सपोर्ट करो और शेयर कर दो इस व्लॉग को, लाइक कर दो एंड सपोर्ट, फुल पावर सपोर्ट दिखाओ। ठीक है गाइस, चलो फाइनली आ चुके हैं, अब हम खाने पीने डिनर करने। घर में पीछे का ऐसा माहौल है यहाँ का, और ये मम्मी बैठी है यहाँ पर, हमें हेलो कर दो। तो भाई अब यहाँ बैठे हैं, ये ऑर्डर करके आ चुकी है, बाकी अब चलते हैं खाना वाना खाते, तुमको दिखाते क्या खाना खा रहे हैं। ठीक है गाइस, अपना ये आ चुके हैं, ये 50 रुपये के गोल गप्पे हैं, 5 गोल गप्पे। गोल गप्पे खाते हैं कैसे, दिखो देखो, खुद बनाओ खुद खाओ। ये चलो भाई पूरे सिनेमैटिक शॉट, ये ओए ओए, लो भाई खाना आ चुका है भाई, अपनी थाली आ चुकी है, मेरी थाली है, दाल मखनी, रायता, रसगुल्ला, शाही पनीर, चावल और रोटी। जब खाना वाना खा के आ चुके हैं और शॉपिंग भी कर लिया है भाई, ये शॉपिंग से लिया है, शूरेक लिया है हम, और ये आइसक्रीम खा रही है यहाँ पर, कोला खा रही है। तो हमारा भाई ने हेल्दी हेल्दी खाना खाया, और अभी हम मम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं, गेट कब खुले। मम्मी आ रही पैदल, हम स्कूटी पर रख के लेके आए थे उसको, शूरेक को, नई तरीके की शूरेक चली है। बाकी जो तुम्हारे भाई की देखो आँख में क्या हो गया है, इसका इलाज कराना पड़ेगा, काफ़ी 2-3 महीने हो गए होए होए, फुंसी नहीं है पर कुछ और है। बाकी अब देखो शूरेक लगवाते हैं, फिर तुमसे मिलते हैं। ठीक है गाइस, स्टे ट्यून रहो। भाई अभी सीन ऐसा बना है हमारा अभी, मम्मी और मेरा कालका जी मंदिर जाने का, क्योंकि मम्मी को कुछ काम था वहाँ पर, तो वो पूजा करनी थी वहाँ पर थोड़ी बहुत, तो अब कालका जी मंदिर निकल रहे हैं मैं और मम्मी। ये तो ऐसी पड़ जाएगी, इसको कुछ भी काम नहीं है, 1% भी काम नहीं है इस लड़की को। ठीक है गाइस, तो अपन तो चलते हैं कालका जी मंदिर और वहाँ पर दर्शन कराते हैं, फिर इस व्लॉग को भी एंड करेंगे, बहुत बड़ा व्लॉग बन चुका है। बाकी चलो कालका जी मंदिर चलते हैं, दर्शन होंगे तो तुमको भी कराएंगे जरूर। ठीक है गाइस, फटाफट तुम लाइक करो फटाफट इतने। तो भाई गाइस फाइनली कालका जी मंदिर के लिए निकल चुके हैं, और ये देखो मम्मी पीछे बैठी है यहाँ पर, तुम्हारा भाई स्कूटी चला रहा है। ठीक है भाई, अब मिलते हैं सीधा कालका जी मंदिर के अंदर। ठीक है, तो भाई दर्शन कर लिए अपन ने, तुमको भी तो मैंने दर्शन करा दिए,
और दर्शन हुए बहुत प्यारे, माता रानी ने दे दिया आशीर्वाद, तुमको भी आशीर्वाद दे दिया होगा। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड सब कुछ कर देना, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, शेयर।